अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 13 पे हम बात कर रहे थे, लेकिन आप में से कल एक शहजादे ने मुझे ये सजेशन दी थी कि सर हम ऐसे करें कि आप जिस स्पीड के साथ हमें पढ़ा रहे हैं उसी स्पीड के साथ पढ़ाते हुए एक दफ़ा जो रिवीजन है हमारी या एक दफ़ा जो सिलेबस है उसको कम्प्लीट कर दें, और उसके बाद फिर आप जो बात कर रहे थे कि मैं टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ, डिटेल में बात करना चाहता हूँ, तो आप तब टॉपिक्स के ऊपर बात कर लीजिएगा। मैंने कहा यार ठीक है सजेशन, तो मुझे भी बिल्कुल दूर दूर तक कहीं बुरी भी नहीं लगी, बिल्कुल ठीक सजेशन आपने जनाब दी है, उस सजेशन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे मेरा बेटा। अच्छा मेरा बेटा, हम कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस से शुरू करेंगे और आज ये चैप्टर नंबर 13 को ख़त्म कर देते हैं, फिर चैप्टर नंबर 14 एक दिन में, एक एक दिन में भी करें तो हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे आप लोगों की मर्जी होगी जिस चैप्टर की रिवीजन, जिस टॉपिक्स की रिवीजन होगी उसके अकॉर्डिंग साथ साथ इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। सो कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस, कार्बन, अभी एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि अभी हम मैं क्लास ले रहा था एमडी कैट वालों की, तो एमडी कैट वालों को मैं डिटेल में ज़रा जाके पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पूरे पूरी बुक को टच कर रहा था, तो डायमेंशन वाला टॉपिक एक्चुअली उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कंटेंट के अंदर, तो मैंने वो पढ़ा दिया, तो उस चीज़ पर एक तूफान ने बदतमीजी खड़ा होगा कि वो तो UHS के सिलेबस में शामिल नहीं है और सर ने पढ़ा दिया। और सर को ये मसला था कि हाँ यार अगर इनका इससे रेलिवेंट कोई सवाल कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इनको मसला ना हो, तो ये हाल है मेरा बेटा हमारी कौम का, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सो कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ अ हाई ग्रेड सिरामिक रॉड आर कॉन ऑन विच अ थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन इज डिपॉजिटेड। और हमारे पास यहाँ पे नौ कलर्स होते हैं और नौ कलर्स के अंदर हम कार्बन, मतलब कलर कोडिंग से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जी मेरा बेटा हमारा आप तो हैं जनाब, तो यहाँ पे मैंने हमेशा यार ये याद करने के लिए मैंने तो ये लिखा हुआ था बीबी रॉय जी बीवी जी, मतलब बीवी का ओबीडियंट होना चाहिए बंदे को, जी बीवी जी और एंड पे आ जाता है वाइट, एंड पे आगे आ जाता है मेरा बेटा वाइट, तो बी से ब्लैक, सेकंड बी से आपके पास ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन एंड अगेन बी से ब्लू, वी से वॉलेट, जी से आपके पास ग्रे, ये कलर आ गए। और आपको पता है ना बेटा ये जो कलर कर नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से 9 होता है, 0, 1, 2, 3 हर कलर को एक नंबर असाइन है, 6, 7, 8, 9। अब आपके सामने कलर के जो बैंड्स हैं इनसे हम लोगों ने ये चीज कैलकुलेट करनी है। सो भैया आपके सामने मैं चार कलर लिखता हूं, रेड पहला बैंड, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। फर्स्ट बैंड आपके पास रेड है, सेकंड बैंड मेरा बेटा आपके पास वॉलेट है, थर्ड बैंड आपके पास मेरा बेटा ब्राउन है एंड फोर्थ वन गोल्ड है। अब मेरा बेटा जो फर्स्ट कलर है, फर्स्ट बैंड का जो कलर है, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, वो रेड है, पहला डिजिट देखें रेड के साथ क्या आ रहा है, 2, तो 2 लिख दिया। सेकंड बैंड वॉलेट है, वॉलेट का नंबर आपके पास 7 आ रहा है, 7 लिख दिया। फर्स्ट दो बैंड तो दो डिजिट्स को शो करेंगे, जो थर्ड बैंड का कलर होगा जो कि ब्राउन है, ये जो जितने जो भी डिजिट आएगा उतने नंबर ऑफ जीरो से लगा देंगे, हमारे पास वो आ रहा है मेरा बेटा ब्राउन, तो ब्राउन में 1 आ रहा है तो 1 0 यहां पे लगा दिया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट नंबर होता है वो मेरा बेटा हमें बताता है इसकी टॉलरेंस के बारे में, वो बेटा हमारा क्या बताता है, गोल्ड के लिए 5% होती है, जबकि सिल्वर के लिए अगर बात करें टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू में इतना इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है टॉलरेंस, 5% फॉर सिल्वर एंड 10% फॉर गोल्ड और 20 फॉर अदर्स। तो मेरा बेटा 270 आ गया, आगे मैं प्लस माइनस के साथ फोर्थ कलर मेरे पास गोल्ड है, और अगर मैं गोल्ड को देखूं तो गोल्ड के लिए 5% लिखेंगे हम लोग या 10% लिख देंगे, गोल्ड के लिए सॉरी 5% है और गोल्ड के लिए 10% है,
गोल्ड के लिए 5% और सिल्वर के लिए 10%, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा 5% इसकी टॉलरेंस। इस तरह हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। अब मेरा बेटा, अब ये बात भी है कि यार 270 का 5% क्या होगा, तो सिंपली आप 270 को 5 / 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी। 270 का 5% मेरा पास बनता है बेटा 13.5, मतलब 13.5 ओम इसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और 13.5 से इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। मतलब अगर हम इसको कम तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 265 ये बनेगा मेरा बेटा, 270 माइनस 13.5 26.5। उसके बाद अगर ज्यादा वैल्यूज करें तो इसकी रेंज लिख रहे हैं ना 256.2, अगर इसमें 270 में 13.5 ऐड करेंगे तो 283.5 आएगा। तो इस तरह मेरा बेटा एक एग्जाम्पल छोटी सी लिख दी कि आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में आपके पास जो चार कलर है इन 4 color band से फर्स्ट 2 digits लिखेंगे, पहले 2 digits वैसे के वैसे लिख लेंगे, जो थर्ड आपके पास बैंड होगा उसमें जो डिजिट होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस लगा लेंगे, और लास्ट वाला बैंड जो गोल्ड का है या सिल्वर का है उसके लिहाज से हम उसकी टॉलरेंस लिख देंगे। टॉलरेंस लिख के हमने लोग इसकी वैल्यू भी निकाली, इसका 5% निकाला तो 13.5 आया। इट मीन्स इसकी जो रेंज है वो 256.5 ओम से 283.5 ओम है। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने रियोस्टेट के बारे में पढ़ा, जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टर्स का भी नाम देते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर भी उसको कहते हैं। सो सबसे पहले हम इसकी जरा बात कर लेते हैं रियोस्टेट की। इसको मेरा बेटा मैं रेस कर देता हूं, मैं इसी स्पीड के साथ मेरा बेटा यही कोशिश होगी कि जो कमिंग वीक है उसके अंदर हम अपना सिलेबस एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 के स्टार्ट से लेकर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें पूरी पूरी बुक को साथ लेके आया करेंगे, वो काम कर लेंगे जितने दिन हमारे पास फिर बच जाएंगे टिल द टेस्ट। अब मैं तो वैसे यही चीज़ समझता हूँ कि टेस्ट का टाइम अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसान फिर ज़्यादा थोड़ा सा बाई नेचर वो होता है कि सुस्त हो जाता है। सो रियल स्टेट की बात करें, आज जो हमारी ब्रेक होगी जुम्मा की वही हमारी क्लास का एंड टाइम भी होगा। जी अहमद बेटा मैं कमेंट्स पढ़ा करूं, पढ़ तो रहा हूं यार। सो इट इज अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स। वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर, मैग्नीशियम वायर। आप लोगों के जो मेरा होते हैं ना कमेंट्स, मेरा बेटा वो देखता रहता हूँ, इवन कि आपका फीडबैक भी, और वही एक्चुअली हमारी रेटिंग भी कर रहा होता है कि भाई हम लोगों ने आपको जो चीज़ पढ़ाई है वो आपको कितनी समझ आई और कितनी समझ नहीं। मैग्नीन वायर वाउंड की जाती है सिलेंडर के अंदर। ये साथ साथ यार यहाँ पे लिखने का मेरा सिर्फ और सिर्फ कुछ खास मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कि यार अगर आप लोग कोई सिलेबस लेते हो ब्रेक बेटा 130 पे, तो कोई एक लेक्चर लेते हो तो आपके सामने आपके नोट्स भी हों, आप लोगों को चीज़ें रिवाइज करने में मसला, अदरवाइज तो सिर्फ MCQs भी रिपीट किए जा सकते हैं, बट ऐसे तसल्ली नहीं होती, आप ये कह सकते हो हर इंसान को होता है। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीन इज अलॉय होता है, एक मैग्नीन इज अलॉय जिसके अंदर आपके पास 84% कॉपर होता है, 84% कॉपर होता है। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास 12% मैग्नीज और 4% निकल होता है। मेरे ख्याल में मेरा बेटा ये परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल कोई भी नंबर हो उस नंबर की जितनी परसेंटेज होती है, जैसे कि 5% लिखा होता है तो इसको मैं 5% को कैसे लिख दोगे आप, 5 / 100 ये आपको किसी ने बता भी दिया इवन के कमेंट के अंदर भी। मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे 145 पे भी होती है, 2 o'clock भी नमाज होती है, और मेरे ख्याल में उसके अकॉर्डिंग ही निकलते हैं यार हम लोग। और जैसे कि आपने लास्ट टाइम कहा था, सिर्फ
खुतबा पढ़ना होता है तो खुतबा सुनना होता है, तो खुतबा भी हमारा हो रहा होता है जब हम लोग नीचे जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो रियल स्टेट के बारे में, ये तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। अब रियल स्टेट को मेरा बेटा, हम लोग पोटेंशियल, आपके पास वेरिएबल रजिस्टर का नाम भी देते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर। बार बार अब उसको स्लाइडर को मूव करने से उसके रेजिस्टेंस को भी चेंज करते हो, जब रेजिस्टेंस को चेंज करते हो तो पोटेंशियल भी उसका डिवाइड होता है, इसे हम पोटेंशियल डिवाइडर का नाम भी देते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही लिखता हूँ, पोटेंशियल डिवाइडर में आपके पास वोल्टेज ए से सी तक की बात करते हैं, जो कि इक्वल आता है आपके पास आर ओवर आर वी। आर आपके पास स्मॉल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है, आर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाती है, और आपके पास यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं हम, इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं जीरो से आर तक, जिसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल भी है वो डिवाइड होता है। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं थर्मिस्टर्स की, तो थर्मिस्टर आपके पास हीट सेंसिटिव रेजिस्टर ही होता है, वो भी थर्मिस्टर। सबसे पहले तो उसका जो मेन पॉइंट है वो यही है, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है, जिसमें हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर या सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास जो टाइप्स हैं थर्मिस्टर की, उसमें पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाले भी हैं, नेगेटिव कोएफिशिएंट्स वाले भी हैं। हम एक्चुअली इनका जो इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव कोएफिशिएंट थर्मिस्टर का, दे आर यूज्ड टू मेजर द लो टेम्परेचर नियर 10 केल्विन। मेरा बेटा एक्चुअली वोल्टेज के बारे में ये चीज हमेशा याद रखना, वोल्टेज एक पुश पावर होती है जो चार्ज को मिल रही है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। कॉन्स्टेंट वोल्टेज भी आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 5 वोल्टेज कॉन्स्टेंटली मिल रहे होते हैं। सो सबसे पहले मेरा बेटा, इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर नियर 10 केल्विन, दे आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर नियर 10 के, मतलब 10 केल्विन तक टेम्परेचर से मेजर किया जा सकता है। उसके बाद मेरा बेटा, थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सिरेमिक मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज निकल कोबाल्ट कॉपर। ये थर्मिस्टर की फॉर्मेशंस भी होगी आपके पास। थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सिरेमिक मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज निकल कोबाल्ट कॉपर आयरन। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास अगर बात करें, रियोस्टेट कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी एक्टेड एस, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। रियोस्टेट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी, बुक अगर आपके सामने है तो बता सकोगे बड़े अच्छे से, कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी एक्ट एस, उस वक्त तो ये क्या काम कर रहा होता है जब इसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। रियोस्टेट कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी एक्टेड एस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये हैं आपके पास। फर्स्ट वन ऑप्शन है कि वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे काम कर रहा होगा, ऑप्शन बी है पोटेंशियल डिवाइडर, ऑप्शन सी है मेरा बेटा बोथ ए एंड बी, एंड डी में यहां लिख सकते हैं नन के, कि किसी किस्म का कोई आंसर यहां पे नहीं आएगा।
रियो स्टेट को जब कनेक्ट किया जा सकता है पैरेलल विद द बैटरी, तो वह हमारे पास किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, क्या चीज काम करता है, एज ए पोटेंशियल डिवाइडर काम करता है या एज ए वेरिएबल रेजिस्टर? तो बड़े अच्छे से पता है यार, पोटेंशियल काम कर रहा होता है जब उसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं, उसका जो कंटेंट है वो मूव करता है कॉन्टेक्ट। उसके बारे में बेटा ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। ईएमएफ किसे कहते हैं? एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज टू द सेल, जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सेल को, उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा ईएमएफ का। ईएमएफ और पीटी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है उसकी बात करेंगे। बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना मेरा बेटा, तो हम ईएमएफ कहते हैं, और उसके इंटरनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेरा बेटा हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अब टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरे की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो सबसे पहले ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मोड मार्कर चेंज करते हैं यार। ईएमएफ के सबसे पहले अगर मैं डेफिनेट मनोवर ये वाला ज्यादा बेहतर होता है, ओके मेरा बेटा। तो ईएमएफ आपके पास क्या चीज होती है? ईएमएफ की सबसे पहले बेटा हम डेफिनेशन लिखें। सो एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज, एनर्जी किसी चार्ज को, एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय सेल, सेल से जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है चार्ज को, उसको हम नाम देते हैं सप्लाई टू यूनिट चार्ज बाय सेल, उसको मेरा बेटा हम ईएमएफ का नाम देते हैं। इसके अलावा ईएमएफ का ये भी लिखा जा सकता है मेरा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द सेल जब हम उसमें से किसी किस्म का कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे तो उसके अंदर उस पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम ईएमएफ का नाम देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मतलब उसका अपना इंटरनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, उसको हम ईएमएफ का नाम देते हैं। उसका अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, कितना उसके बैटरी का या उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम बेटा बेटा ईएमएफ नाम देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। उसके बाद मेरा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस टू हाई टर्मिनल इन साइड द सेल, जिसको इसे भी कहा जा सकता है एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज बाय सेल व्हेन मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सेल से चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने के लिए बैटरी या सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज को, उस पोटेंशियल डिफरेंस का, उस एनर्जी को हम ईएमएफ का नाम भी देते हैं। इसको मेरा बेटा इस तरह लिखा जाता है इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। अब उसके बाद मेरा बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो एनर्जी लॉस्ट बाय पॉजिटिव चार्ज व्हाइल मूविंग थ्रू अ एक्सटर्नल सर्किट या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, अब अगर जब उसमें करंट आप ड्रॉ कर रहे हो उसको किसी सर्किट के साथ आप अपने कनेक्ट कर दिए, उस वक्त जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा या उसको हम नाम देंगे मेरा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को यही लिख देते हैं एनर्जी लॉस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनर्जी लॉस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हाइल मूविंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। Yeah.
energy lost by unit positive charge while moving through external circuit. And potential difference across the cell, ये भी कहा जा सकता है दूसरी definition, potential difference across the cell when current is drawn from it, जब उसमें से current drawn किया जाता है, ये कह सकते हैं energy lost by charge. जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देते हैं और जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट आप ड्रॉ कर रहे होते हो, तो जो चार्ज अपनी एनर्जी को लॉस करता है उस पोटेंशियल को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. उसके अलावा मेरा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओपन सर्किट का क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, उसकी बात करते हैं मेरा बेटा. चैप्टर आपका एंड होने वाला ही है. बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस is due to electrolyte के साथ coolants की वजह से internal resistance होती है. relationship between EMF and terminal potential difference, ये कुछ points थे between EMF and terminal potential difference. for open circuit बात करेंगे सबसे पहले. for ओपन सर्किट के लिए जो आपकी रेजिस्टेंस होती है मेरा बेटा वो इनफिनिट होती है, जबकि उसमें करंट की वैल्यू क्या आती है, जीरो. तो आप लोग यहां से ये चीज पॉइंट कह सकते हो कि आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ई और वोल्ट, ये दोनों आपस में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल होते हैं फॉर ओपन सर्किट. उसके बाद अगर क्लोज सर्किट की बात की जाए, फॉर क्लोज्ड सर्किट कुछ पॉइंट्स थे. फॉर क्लोज सर्किट आपके पास फॉर्मूला मेरा बेटा ये आता है, फाइनाइट करंट हम इसमें लिखते हैं मेरा बेटा, लिमिटेड करंट इसमें मौजूद होता है, उसमें आपके पास इनफाइनाइट करंट की वैल्यू वैसे ही जीरो थी. अब आपके पास यहां पे जो रिलेशन बनेगा V इक्वल टू E माइनस आई आर ओम्स लॉ से, अब V की जो वैल्यू होती है मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, वो EMF से हमेशा कम होती है क्लोज सर्किट में, क्योंकि जहरी सी बात है आपके पास वहाँ पे EMF का यूज़ किया जा रहा है, जब करंट उसमें ड्रॉन किया जाएगा तो V की वैल्यू लेस देन E आएगी. और व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज, जब आप सेल को अब साथ साथ चार्ज भी कर रहे हो, सो व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड, तब आपके पास मेरा बेटा यही जो माइनस है वो प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, ई प्लस आई आर आ जाएगा. इस वक्त हम ये कहेंगे जो आपका वी है वो ग्रेटर देन आएगा ई से. फिर उसके बारे में अगर बहुत समराइज पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस की बात और ईएमएफ की बात की जाए, तो ईएमएफ कॉज है, ईएमएफ वो रीजन है जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और जो आपके पास वी है वो एक्चुअली इफेक्ट है. ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, ईएमएफ आपके पास कॉज है जबकि आपके पास वी है वो इफेक्ट है. व्हेन करंट ड्रॉन थ्रू अ सोर्स, तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, व्हेन करंट ड्रॉन थ्रू अ सोर्स, तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है. अब आप लोगों के पास फॉर्मूला आप लोगों को सामने लिखता हूं और क्वेश्चन लिखता हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है इस पॉइंट को समझते हुए कि अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 5 ओम
रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 30 वोल्ट ईएमएफ 30 वोल्ट इफ करंट पासिस थ्रू अ इफ करंट पासिस थ्रू अ सर्किट इज 5 एम्पेयर रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट इफ करंट पासिस थ्रू अ सर्किट इज 5 एम्पेयर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज आपको भी जो चारों केसेस बताए थे उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला पहले लिखना है ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं आंसर आपके पास मेरा बेटा 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम सबसे पहले मेरा बेटा हमारे पास जो फार्मूला लिखा जाएगा वो ये है वी इज इक्वल टू करंट ड्रॉन किया जा रहा है तो माइनस आई आर आ जाएगा वी का मेरे बेटा आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि वी किसके बेटा आई आर के इक्वल ये आ गया ई माइनस आई आर अब आपने आई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करनी है तो आर की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी होगी तो इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करें आई की जगह मेरे बेटा पास क्या आ जाएगा 5 आर उसके बाद जो रेजिस्टेंस है आर वो भी 5 है और करंट भी आपके पास 5 एम्पेयर है रेजिस्टेंस भी आपके पास 5 एम्पेयर है सो इंटरनल रेजिस्टेंस आई की वैल्यू आर की वैल्यू आपके पास क्या होगी और ये जो इनर्जी आपके पास गिवन की ईएमएफ वो 30 वोल्ट है तो इस इक्वेशन में वैल्यू उत्तर तो आई की जगह पे 5 आएगा आर की जगह भी 5 आ गया ई की जगह आपके पास 30 आ गया माइनस आई अगेन आपके पास मेरा बेटा 5 आ गया तो ये 5 आर आ जाएगा अब आप खुद ही देखिए मेरा बेटे कि क्या आंसर बनता है कि 5 × 5 25 होगा 25 माइनस 30 करें 25 माइनस 30 करें तो आपके पास −5 = −5 आर माइनस माइनस के साथ कैंसिल 5 5 के साथ कैंसिल तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा 1 ओम तो आंसर आपके पास मेरा बेटा आ गया इसका ए चलिए मेरा बेटा अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर सेल को जब सीरीज में कनेक्ट हो किरचॉफ्स रूल्स वगैरह आ जाते हैं जल्दी से करते हैं 20-25 मिनट का टाइम है मैक्सिमम पावर आउटपुट की बात की जो है इसको ज़रा रेस कर देता हूँ कुछ की पॉइंट्स जो रहते हैं इसके मैक्सिमम पावर आउटपुट पी इक्वल टू हमारे पास क्या होती है मैक्सिमम पावर आउटपुट के टॉपिक में आए तो पी हमारे पास होता है मेरा बेटा आई स्क्वायर आर के फिर इसमें आप लोगों ने एच स्क्वायर पावर आपके पास होती है ई स्क्वायर आर ओवर नीचे डिवीजन में आ जाता आपके पास बेटा आर प्लस आर का स्क्वायर मैंने ये चीज पढ़ी होगी आई जो इक्वल होता है मेरा बेटा वो होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज इक्वल टू आर प्लस आर के इक्वल ये वैल्यूज यहां पे पुट करने से पावर का जो फार्मूला आपके पास मैंने बेटा बनेगा वो ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आपके पास मेरा बेटा ई प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 आर तो यहां से जो हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे कि इस फैक्टर के इंक्रीज होने से ये फैक्टर इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगी वैल्यू तो ये हमारे पास फैक्टर इंक्रीज होगा इट मींस कि आपके पास ये आर प्लस आर जब रेजिस्टेंस कम होगी तो प्रेशर की वैल्यू जो सॉरी पावर की वैल्यू ज़्यादा आएगी सो इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज मेड इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर
अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को इंटरनल रेजिस्टेंस आर के इक्वल कर देंगे, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को इंटरनल रेजिस्टेंस आर को इक्वल कर देंगे, तो आपके पास जो पावर की वैल्यू आएगी वो पी इज इक्वल टू ई स्क्वेयर ओवर 4R आ जाएगी। सो उसके बाद जब हमारे पास सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा बेटा आपको पता है कि साइड टू साइड हम सेल्स को अगर कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास सेल्स इन सीरीज कनेक्टेड में आ गए, तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस वैल्यू लिख लेते हैं। ये करंट के डायरेक्शन को शो कर दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वी कह देते हैं। अब मेरा बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर जॉइंट एंड टू एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू ईच सेल। सो मेरा बेटा यहाँ लिखते हैं सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, cells are connected in series, so when they are joined end to end, when they are joined end to end, तो ये चीज देखिएगा यहां पे जो करंट की वैल्यू है, the quantity of electricity must flow या same quantity of electricity must flow through the each cell, same quantity of electricity flow करेगी हर सेल से। उसके बाद इसमें जो चीजें नोट करने वाली हुई है कि ई एम एफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ई एम एफ, इस टोटल की अगर ई एम एफ होगी, इन सबको इंडिविजुअली ऐड करेंगे, ई एम एफ बैटरी इज इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल ई एम एफ इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल ई एम एफ। उसके बाद मेरा बेटा द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट, करंट इन ईच सेल विल बी सेम, जैसे कि आप लोगों को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ईच सेल सेम होगा जो कि सारी अरेंजमेंट में बाकी सेल के अंदर है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, इट मींस कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही आर है, दूसरे की भी आर है, तीसरे की आर है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो हर एक इंडिविजुअली सम किया जाए तो हमारे पास 3R बन जाती है, और टोटल ई एम ऑफ द बैटरी को हम लिखते हैं मेरा बेटा एन ई। अगर आपके पास नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल बिल्कुल सेम हो, टोटल ई एम एफ निकालनी हो सेल की, टोटल ई एम एफ ऑफ बैटरी निकालनी, तो जितने नंबर ऑफ सेल्स आप लोगों ने यूज किए हैं उस एक हर एक ई एम एफ के साथ अगर आइडेंटिकल से, आइडेंटिकल का मतलब यह है कि अगर सब की जो ई एम एफ है वो बिल्कुल सेम है, सो फॉर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर एक की 3 है तो 2 की 6 होगी, इसी तरह टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी निकालेंगे तो वो भी इसी तरह आप एन आर कर देंगे तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आ जाएगी। इसी तरह टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालनी होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आ जाएगी। अच्छा, अगर कनेक्ट आपके सेल्स की अगर बात करूं, दो केसेस हैं कि सेल्स आर कनेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन तो उनकी ईएमएफ को कैसे ऐड करना है, और अगर टोटल ईएमएफ अगर आपके पास सेल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उनकी ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि ये आपके सामने छोटा सा लिख देता हूँ, अगर इस तरह सा क्वेश्चन हो कि आपके पास एक सेल ये है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसकी वैल्यू आपके पास 2.0 वोल्ट, इसी के साथ दूसरा सेल कनेक्ट है, फिर उसका पहले नेगेटिव और उसके बाद आ गया आपके पास, सॉरी पहले आया पॉजिटिव और उसके बाद आपके उसका जो कनेक्शन आ रहा है वो आपके पास मेरा बेटा नेगेटिव आ रहा है,
तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, पहले पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। सेल्स आर कनेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। यहां भी इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू आपके पास 1.5 वोल्ट है। सो सेल्स आर कनेक्टेड इन सेम डायरेक्शन, यहां पे सेल सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है, तो सिंपली हमने क्या करना है कि इन केस ऑफ टोटल ईएमएफ इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, 2.0 प्लस 1.5 वोल्ट, तो हमारे पास टोटल इनकी ईएमएफ आ जाएगी जो कि इक्वल आ रही है हमारे पास मेरा बेटा 3.5 वोल्ट के। इसी तरह अगर यही सेल आपके पास इस तरह से कनेक्ट होते कि पहले आपके पास ये आ रहा था, देखिए पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद नेगेटिव आ रहा है, और उसके बाद फिर आपके पास मेरा बेटा नेगेटिव आता और फिर पॉजिटिव आता, तो फिर दोनों के जो सेल्स की वैल्यू है उसके दरमियान जब एडिशन करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ होगी, 2.50 वोल्ट 1.5 वोल्ट। यहां पे जब इनकी अब टोटल ईएमएफ निकालोगे, इनकी जब टोटल ईएमएफ निकालेंगे मेरा बेटा, फिर वो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से 2.0 माइनस 1.5 वोल्ट, तो ये मेरा बेटा आपके पास आएगा ओनली 0.5 वोल्ट। ये पॉइंट जरा याद रखिएगा, जब आपके पास सेम डायरेक्शन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनकी टोटल ईएमएफ सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो ईएमएफ निकालते हुए दरमियान में ऑपोजिट साइन की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। चाहे आपके पास इस तरह सीरीज में आए या पैरेलल में आए, तो आप लोगों ने ये मेथड हमेशा याद रखना है मेरा बेटा। अब उसके बाद मेरा बच्चे आपके पास सेल्स इन पैरेलल कम्बिनेशन में, पैरेलल कम्बिनेशन में जरिए से बात, आप उसको आमने सामने इस तरह कनेक्ट करते हैं, अगर मैं इस तरह सेल्स को डिनोट कर दूंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक्चुअली उसके मेन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, मेन पॉइंट जो उसके आते हैं मेरा बेटा वो यही है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आपने कनेक्ट की। सो सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे आर जॉइंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव, सो द करंट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेल। इस तरह से हमने इनको कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के सेल के, कि जब इनके दरमियान जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट क्या हो जाता है मेरा बेटा डिवाइड, जबकि सीरीज में करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है सेम, और ईएमएफ द बैटरी सेम रेट ऑफ अ सिंगल सेल, और जो हमारे पास एक सेल की जो ईएमएफ होगी वही इसकी ईएमएफ होगी। सो ईएमएफ ऑफ बैटरी इज द सेम ऑफ द सिंगल सेल, द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइड इक्वली टू अमंग द सेल। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो हर एक सेल में एक जैसा डिवाइड होता जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं, और टोटल ईएमएफ द बैटरी जो यहाँ पे होगी मेरा बेटा वो इसके जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की उसको ई के इक्वल होगी, जो कि इसकी ईएमएफ हर एक सेल के अंदर एक जैसी डिवाइड होती जाएगी। और उसके बाद इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी निकालनी हो तो आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के साथ उस रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सेल आ जाएगी। इसी तरह आपने टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जब निकालनी होगी, इस आर ओवर एन फैक्टर के अंदर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। उसके बाद मेरा बेटा हम किरचॉफ्स रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सिंपल सर्किट के लिए आप लोगों ने कुछ लॉस पढ़े, जैसे कि आपके पास ओम लॉ आ जाता है, पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन का लॉ आ जाता है, लेकिन कम्प्लेक्स सर्किट के लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं मेरा बेटा, किरचॉफ्स रूल्स का। सबसे पहले तो मेरा बेटा बात करते हैं किरचॉफ्स रूल्स की। पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे, फॉर सिंपल सर्किट्स हम सिंपल सर्किट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं मेरा बेटा आपके पास ओम लॉ या पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की बात करते हैं तो किरचॉफ रूल्स की बात करते हैं। किरचॉफ्स रूल्स को वैसे सिंपली हम KCL भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट रूल फर्स्ट वन अगर बात करें तो। किरचॉफ्स करंट रूल आपके पास मेरा बेटा क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो।
सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग जो मिलते हैं एक पॉइंट के ऊपर एट अ पॉइंट इज जीरो। जितने भी करंट्स हैं जो सारे एक ही डायरेक्शन की तरफ आ रहे होंगे, इन सबको जब सम करेंगे तो समेशन आई इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यही लिखेंगे मेरा बेटा, करंट आई टूवर्ड्स आई अवे। उसके बाद मेरा बेटा केसीएस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट रूल। सब उस पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं, इज कॉल्ड पॉइंट रूल। उसके बाद मेरा बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैनिफेस्टेशन है, ये इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि यहां पे एग्जांपल लेते थे, एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे डिफरेंट करंट की डायरेक्शंस को शो करते हैं आई वन आई टू आई थ्री के लिए। मैं लिख लेता हूं आई वन, ये है मेरे पास आई टू और ये है मेरे पास आई थ्री, तीनों इसी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं आई फोर और आई फाइव की, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो यहां पे जब किरचॉफ रूल लॉ अप्लाई करेंगे तो सिंपली लिखोगे आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, लेकिन जो अवे जा रहे हैं उनके लिए माइनस आ जाएगा, माइनस आई फोर और आई फाइव। हालांकि इसको भी प्लस ही कर रहे होंगे, लेकिन इनके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। हमने यही कहा था कि अवे और टूवर्ड्स जाने के लिए, लेकिन जब सबका सम किया जाए तो किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग इन सबका जो सम है वो जीरो आना चाहिए। आप लोगों से क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर बता देना, करंट द अननोन करंट इन द नेटवर्क। आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आंसर होगा इसका केसीएल का यूज करते हुए। अननोन करंट को हमने फाइंड आउट करना है एक सर्किट के अंदर। सर्किट मेरा बेटा आपके पास ये है, इसकी वैल्यू आपके पास 2 एम्पीयर है, इसकी वैल्यू आपके पास 3 एम्पीयर है, ये भी जो बाहर जा रहा है इसकी वैल्यू आपके पास 4.5 एम्पीयर है, यहाँ पे आपके पास ये 4 एम्पीयर है, ये आपके पास 5 एम्पीयर है, जबकि इसकी डायरेक्शन या ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो भाई ये है कि अवे और आउटवर्ड जाने वाले की बात करें, इनवर्ड कितने आ रहे हैं और आउटवर्ड कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 5 है, 4 है और 2 है, जिनकी डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है, तो उनको ऐड कर दें, 4a प्लस 5a प्लस 2a इज इक्वल टू अवे जाने वालों की। अब बात करते हैं तो जो आपके पास अवे जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं मेरा बेटा, एक आपके पास 3 एम्पीयर है और एक आपके पास 4.5 एम्पीयर है। सो आई आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आप निकालना चाहो मेरा बेटा तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, 11, 4.5 प्लस 2, 11.7.5 इज इक्वल टू आई। तो 11 को 7.5 से निकालें तो आपके पास आंसर 4.5 एम्पीयर आ जाएगा। इसी तरह बेटा केवीएल की बात करें तो केवीएल में आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू होती है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और अ क्लोज लूप इज जीरो। चलें ठीक है, ओके चलें मेरा बेटा फिर बात करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज ही रह गया था, कल हम चैप्टर नंबर 14 के साथ व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लेंगे और आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। आप लोगों का जो टेस्ट है, वो टेस्ट नहीं स्टार्ट करना है इनका, वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 14 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।